उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड और पकड़ती जा रही है। वहीं सागर जिले के देवरी क्षेत्र में भी घने कोहरे के साथ ठंडी हवाओं के चलते कड़कड़ाती ठंड के जनजीवन अस्त व्यस्त है। शीतलहर के चलते लोग परेशान हैं। देवी नगर के मुख्य चौराहे जैसे कि नगर पालिका, गणितराहा, सचपुतराहा, सिविल लाइन चौराहा, कचरीतराहा, बस स्टैंड सहित नगर के प्रमुख स्थानों पर परिवहन बसों का आना जाना होता है। यात्रियों का यहाँ ठहरना एवं यहाँ से आगमन करना होता रहता है। इन स्थानों पर अब यात्रियों को ठंड के कारण ठहरना मुश्किल हो गया है। वर्तमान शीतलहर मौसम के चलते नगर पालिका प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर अलावा जलाने की व्यवस्था की जाए, परंतु नगर पालिका प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और नगर में अलावा न जलाए जाने से यात्री परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा बस स्टैंड सहित पूरे नगर बाजार के बैठके यात्री बस स्टैंड पर सुविधा शुल्क की उगाही करना ही मात्र अपनी जवाबदारी समझ रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोकल न्यूज के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट।